अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बाजार जैसे खस्ता करारे नमक पारी की रेसिपी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैंने जो टिप्स बताए हैं उनको फॉलो करिएगा तो आपके भी नमक पारे बिल्कुल बाजार जैसे खस्ता करारे बनके तैयार होंगे। आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 2 कप मैदा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन, ये 1/2 टीस्पून अजवाइन है। इसको मैं हाथों में लेके इस तरह और हाथों से इस तरह क्रश करके डालेंगे तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। इसको इसमें हम डाल देंगे और अब इसमें हम डालेंगे ये 1 टीस्पून नमक है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप ऑयल। आप ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसका हम एक डो तैयार करेंगे। 2 कप हमने मैदा लिया है तो 1 कप इसमें हम ऑयल लेंगे, या आप घी ले लीजिए या ऑयल ले लीजिए। आप इस तरह मिक्स कर लीजिएगा और ऐसे जब मुट्ठी बनने लगे, ये देखिए इस तरह होने लगे, तो समझ जाइए कि आपका ऑयल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसका हम डो तैयार करेंगे। तो हम पानी लिया है हमने, इसको थोड़ा थोड़ा पानी इसमें हम डालेंगे और इस तरह हम इसको गूंद लेंगे और इसका डो हम सख्त बनाएंगे। इस मेजरमेंट से आप बनाएंगे नमक पारे तो आपके नमक पारे बहुत ही खस्ता और करारे बनके तैयार होंगे। ये देखिए डो अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब इस पे हम हल्का सा ऑयल लगा देते हैं, ऊपर से ऑयल लगा देते हैं कि इसके ऊपर पपड़ी ना जमे, और इसको ढक देते हैं 1/2 घंटे के लिए। हम इसको रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। 1/2 घंटा हो गया है, डो हमारा अच्छी तरह से रेडी हो गया है। एक बार फिर हम इसको इस तरह से गूंद लेंगे। अब डो को हम इसकी हम लोई बनाएंगे, 4 लोई हम इसकी बना लेंगे। आपको जितना आसानी हो उतना आप बना लीजिए, 2 या 4 जितना भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं। ये हमने 4 लोई बना ली है। अब इसको हम बेलते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा लेंगे, इस तरह मैदा लगा के हम इसको हम बेलेंगे, इससे बेलने में आसानी रहेगी। अब हम बेलन की मदद से इसको हम चपाती की तरह पतला बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है और ना बहुत ज़्यादा मोटा। ये देखिए हमने इस तरह से पतला इसको बेल लिया है, चपाती से थोड़ा सा मोटा। अब इसको हम पिज़्ज़ा कटर से इस तरह हम कट कर लेंगे। आप चाहें तो चाकू से भी इसको कट कर सकती हैं। ये देखिए इस तरह कट कर लेना है। इस तरह कट करने के बाद फिर इस तरह इसको ऐसे तिरछा कट कर लेना है। ये देखिए बर्फी टाइप का ये कट कर लेना है नमक पारे। इस तरह कट करने के बाद एक स्पैचुला से, आप फ्लैट स्पैचुला से इस तरह इसको इस तरह सारे नमक पारे को देखिए इस तरह निकाल लेना है और निकाल के आप किसी प्लेट में रख लीजिए। ऑयल को हमने गरम कर लिया है और फ्लेम को हमने एकदम लो कर दिया है। लो फ्लेम पे हम जितने नमक पारे हैं हम इसको डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरह डाल देंगे, ये चिपकेंगे भी नहीं और अच्छे से ये फ्राई भी हो जाएंगे। इनको अच्छी तरह से इस तरह फैला दीजिए। ये देखिए ये चिपक नहीं रहे हैं और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखिएगा।
तेज आंच पे इनको फ्राई नहीं करना है, इससे ये आपके कुरकुरे और पस्ता नहीं बन पाएंगे। लो आंच पे आप इसको फ्राई करिएगा, उससे आपके नमक वाले बहुत ही पस्ता और करारे बनके तैयार होंगे। इनको हम अच्छी तरह से उलट पलट के गोल्डन और क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। इनको देखिए ये गोल्डन फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। तो हम किसी प्लेट में निकाल लेंगे, फैला के रखेंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं और क्रिस्पी हो जाएं। दूसरे बैच को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आवाज आप सुन सकते हैं, बहुत ही खस्ता और करारे नमक पारे बनके तैयार हो गए हैं। आइए हम आपको चेक करवाते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये टूट जा रहे हैं, बहुत ही खस्ता। ये देखिए बहुत ही खस्ता ये बनके तैयार होते हैं। इस तरह बनाइए, सभी को ये बहुत पसंद आएंगे। हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।